गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपसे हैप्पी हेल्दी इंडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उनके प्रोडक्ट्स की आपको थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हो सकता है कोई 10वें नंबर पे प्रोडक्ट आए, हो सकता है कोई पहले नंबर पे ही आ जाए प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा पेशेंटली हमारे इस वीडियो को देखें, समझें। तो हम जो भी बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग, वो आपकी फैमिली के लिए ही बात करते हैं। और कई जगह हम विज़िट करते हैं तो लोग कहते हैं, नहीं इसकी हमें क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत आज नहीं है तो कल ज़रूर होगी, इसको आप निश्चित ही मान के चलिएगा। कारण क्या है कि पॉल्यूशन बहुत है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत दिनों दिन ख़राब हो रहा है। खाने पीने का हम बर्गर पिज़्ज़ा इन चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, मुंह में डालते हैं, एक बार भी नहीं सोचते। कारण क्या है कि हमारा सबका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है कि घर में मान लो खाना बन रहा है, नहीं है पसंद का, बाहर से मंगवा लो। और बाहर सा कितना हाइजीन है वो आपको सभी मालूम है, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। कारण क्या है कि हमें स्वाद उतरा का पड़ चुका है। तो देखिए, मैंने कल एक परिवार में बात की, मैंने कहा जी हमारी कंपनी की ग्रॉसरीज आती हैं, उसमें सारे तरह के मसाले हैं, सारी तरह की दालें हैं, नमक है, जो कि एक बहुत रीज़नेबल प्राइस पे कंपनी दे रही है, क्वांटिटी ज़्यादा दे रही है, और एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है, आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है, इतना रीज़नेबल कंपनी दे रही है। कंपनी ने अपना एक मेगा मार्ट बनाया है जो कि अमृतसर में है, वहाँ अगर आदमी एक बार एंटर कर जाए ऐसे ही, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हाथ आपका परचेजिंग के लिए रुकेगा नहीं। कारण क्या है कि वहाँ पे दिखता है, हम यहाँ पर आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाते हैं, या प्राइस लिस्ट के माध्यम से बताते हैं, या कंपनी की बैकग्राउंड बताते हैं। आज कंपनी के पास 800 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 800 कम प्रोडक्ट्स नहीं होते, 800 प्रोडक्ट्स, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि आपके वो घर की ज़रूरत ही है। अभी परिवार में मैंने इनसे बात की, वो कहने लगे आजकल बच्चे अपनी चलाते हैं, हमें बच्चों से पूछना पड़ेगा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप मसाले डालती हैं तो क्या बच्चों से पूछ के डालती हैं कि मैं कौन सा मसाला डालूं, कौन सा नमक डालूं? ऐसे तो नहीं होता मेरे ख्याल में। मैंने कहा टॉयलेट क्लीनर के लिए बच्चों से पूछने के लिए क्या ज़रूरत है, उनके पास जवाब नहीं था। कारण क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि शायद हमें बिज़नेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सेल्फ़ यूज़र बने, हम आपको दोबारा से कभी नहीं ज़िंदगी में कहेंगे। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे आप लीजिएगा, नहीं लगे मत लीजिएगा, वो चॉइस आपकी है। आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना चाहते तो कीजिएगा, नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा। कंपनी की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे अन्य कंपनीज़ में होता है कि 6 महीने खरीदो 7वें महीने सामान फ्री, वहाँ तो है फाउंडेशन, यहाँ तो कंपनी ऐसा कोई फाउंडेशन लगा ही नहीं रही। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ ब्लड प्योरीफायर की, क्या हमको ब्लड प्योरीफायर नहीं चाहिए? क्या कभी हमें जॉइंट पेन होगा कि नहीं होगा? क्या हमें वाला प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें बाम भी आता होगा, इस तरह के तो चीज़ें आती हैं जॉइंट पेन्स की। नोनी जूस है, आप एक्सप्लोर करें, पीडीएफ को पढ़ें कि नोनी जूस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, वो जूस के फॉर्म में भी आता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, इतना बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, आपको आने वाली बीमारियों से बचाता है नोनी जूस। तो नोनी जूस के इतने फ़ायदे हैं, आप गूगल कीजिए कि नोनी के क्या फ़ायदे हैं, स्पिरुलिना के क्या फ़ायदे हैं, गैनोडर्मा के क्या फ़ायदे हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे को चाहिए। आज आप इनमें से एक आधा प्रोडक्ट उठाइए, जैसे ब्लड प्योरीफायर है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर का प्रोडक्ट साथ में लीजिए,
आप अपने अमेजिंग रिजल्ट्स देख के चौंक जाएंगे ये क्या हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग वाले जब डायरेक्ट बात करते हैं कुछ लोग उस हमारे साथ आ जाते हैं कि ठीक है जी मैं इसको प्रमोट करूंगा, कुछ लोग कहते हैं जी मैं सेल्फ़ यूज़र बनूंगा। आप यकीन मानिएगा जो सेल्फ़ यूज़र बन जाते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग प्रमोट करने लग जाते हैं। ये ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की। अब आप एक कैलकुलेशन करें कि अगर आपको 10 लाख की सेल निकालनी हो तो आपको कितने का माल अपने शोरूम पर भरना पड़ेगा, अंदाजा लगाइए। मैं साथ में चाय भी पी रहा हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ क्या हमारे को हेल्थ ठीक नहीं चाहिए, क्या हमें बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं चाहिए? आप मेरे को ही देख लो, मेरा 130 किलो वज़न है, ठीक है जी। मैं खुद एडमिट करता हूँ कि कंपनीज़ के पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। मैंने जितनी भी कंपनीज़ की थी सब में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट थे, मैंने उन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी किया है पर्सनली, उससे मेरा वेट भी लॉस होता था। लेकिन मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ कि बीइंग ए फूडी मैंने अपना हेल्थ का सत्यानाश खुद किया हुआ है, किसी दूसरे ने नहीं किया हुआ। मैं पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौकीन हूँ, मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है और पिज़्ज़ा के साथ में कोक बहुत अच्छी लगती है। अब मुझे बताओ, एक तरफ तो मैं वो खा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं एडमिट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप यूज़ करके देखो, हो सकता है आप परहेज़ करें और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलें, तो नहीं करना चाहोगे? इनकम क्या 500 फैमिलीज़ में 3000 रुपये का सामान अगर आप बेचने में बताने में कामयाब हो जाते हैं 500 फैमिलीज़, सोचो इनकम कहाँ जाएगी? जस्ट थिंक ओवर इट। तो मैं ये आपके फ़ायदे में बात कर रहा हूँ। आप 3000 रुपये में कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा जिसके लिए हमें इतना सोचना पड़ेगा, राशन है वो यूज़ में आ जाएगा। आप हेल्थ सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ आप पैरों में चप्पल पहनते हैं कि नहीं पहनते, आप बनियान पहनते हैं कि नहीं पहनते, आप अंडरवियर पहनते हैं कि नहीं पहनते? अमेजिंग प्रोडक्ट्स। मैं कोई इस तरह की मार्केटिंग तो नहीं कर रहा ना जी, हमारा तो जो अंडरवियर है वो लंदन से आ रहा है 1500 रुपये का है, ऐसी तो नहीं है ना मार्केटिंग। हमारे अंडरवियर की प्राइस देखें आप, बनियान की प्राइस देखें आप, चप्पल की प्राइस देखें, कलरफुल चप्पल जो हमको चाहिए। आप देखिए सुबह जब हम उठते हैं तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेस्ट करते हैं, हमारी कंपनी की बहुत बेहतरीन पेस्ट है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेश होने के बाद पेस्ट करने के बाद हम चाय पीते हैं, हमारी कंपनी की चाय पत्ती बहुत अच्छी है, ठीक है जी। अब लंच टाइम में आप कुकिंग करती हैं तो क्या हमारे मसाले एक बार आप यूज़ करके नहीं देखना चाहेंगे, कितने रीज़नेबल और कितनी क्वांटिटी में? एक बार यूज़ करके तो देखिए मसाले, अच्छे लगेंगे तो आप लेना आगे से, नहीं लगे तो मत लेना। नमक है आप उसको यूज़ करके देखो, आपको अच्छी लगेंगे। दालें हैं आपको अच्छी लगेंगी। ऐसे इतने प्रोडक्ट्स हैं, मैं कितने प्रोडक्ट्स बोलता भी जाऊँगा ना तो वो बेहिसाब प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। दिक्कत यह है कि हमें अपना माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखना है कि हमारा 3000 रुपये में बंदा कोई लॉस नहीं कर रहा, जो हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, हमें जो चीज़ दे रहा है, हमारी आईडी लगा रहा है, हमसे पैन नंबर मांगता है, आधार नंबर मांगता है, आप एक रजिस्टर्ड बायर बन जाते हैं। मैं वर्ड बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड बायर, मैंने ये नहीं बोला कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, आप रजिस्टर्ड बायर बन गए। आप शेयर जब करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो आपको अपनी सेल्फ परचेज का भी कैशबैक आता है। पहले तो आपको सस्ता मिला, सस्ता कितना मिला, किसी प्रोडक्ट पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और हो सकता है किसी पे 68% डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद आपको कैशबैक आता है। क्या ब्यूटी है इस कंपनी की, क्या ब्यूटी है प्रोडक्ट्स की, आप हैरान हो जाएंगे जब आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स। तो इस मिथ से बाहर आइए कि जो आपको बताने आया है वो आपका
दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। वो आपका अहित नहीं चाहता, वो आपका हित चाहता है, आपसे लव करता है, आपके परिवार की सुरक्षा चाहता है। वो कहता है आपसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप ठीक रहें। आपने मान लो नोनी जूस पीना शुरू कर दिया, आप बेनिफिट्स पढ़ें नोनी जूस के, पीडीएफ में भी लिखे हुए हैं, और नोनी जूस के बारे में गूगल कीजिए कि नोनी जूस है क्या। ये एक अनानास है, इसके इतना ज़बरदस्त एंटी ऑक्सीडेंट है, ये आपको कैंसर से बचाता है, आपको आने वाली तकलीफ़ों से बचाता है नोनी जूस। तो ये प्रिवेंशन है, इसको यूज़ कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है। स्पिरुलिना है, इसको यूज़ कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ का प्रोडक्ट लीजिए। किसी को अगर थायराइड है, थायराइड से रिलेटेड प्रोडक्ट लीजिए। किसी को अगर प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रोडक्ट लीजिए। आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं, थैंक्स टू बाबा रामदेव जिन्होंने आज आयुर्वेद घर घर में पहुँचाने का मिशन लिया है, और इसी मिशन के साथ हम लोग भी चल रहे हैं। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी के पास सारे प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही है, तो हमारे बताने से आप देखो कंपनी डे बाय डे कितनी सेल कर रही है। वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतना माल बिकता है रोज़ जिसका हिसाब नहीं। लोग सेल्फ यूज़ के लिए भी ले जाते हैं, लोग बेचने के लिए भी ले जाते हैं, लोग रिकमेंडेशन के लिए भी ले जाते हैं। आप चाहें तो अपने घर से एक अच्छा कारोबार करने के लिए अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एक मिनी डीपी खोल सकते हैं अपने घर में। आपको कंपनी बिलिंग की परमिशन देती है, आप घर से बैठ के एक अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास जगह है और पैसा भी है, पर ये नहीं मालूम करें क्या। बहुतों के पास जगह नहीं है, पैसा है, लेकिन डरते हैं कि किस काम में लगाएं, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। 50,000 रुपये का सामान आप देखिए, खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। 3,000 रुपये का सामान आपके घर में हर महीने लगता है, एक साल में 36,000 रुपये का सामान लगता है, तो आपको क्या नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। कुछ आपके सामान बिक जाएगा, जो बिक जाएगा वो वापस आपके स्टोर में आएगा, आप उसमें से हर महीने अपने घर के लिए राशन भी निकालते रहोगे, तो लॉस तो है नहीं इसमें कुछ। एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आपके पास मिनी डीपी होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आपको मैंने साइनअप किया, तो ऐसे औरों को साइनअप करेंगे, तो उसको माल तो कहीं ना कहीं से लेना है, तो कंपनी जो है वेबसाइट पे भी डालेगी कि ये नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब मिनी डीपी है, आप वहाँ से सामान ले लीजिए। लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपका थर्ड फ्लोर पे भी घर है और आप वहाँ पे एक 50,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करते हैं, लोग आपके पास थर्ड फ्लोर पे खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको सामान देना है अपने कस्टमर को कि जाके उसको दे के आना है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे किसी को डायबिटीज़ का प्रोडक्ट देना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा जहाँ मिनी डीपी होगा? मैं वहाँ से प्रोडक्ट उठाऊँगा, कस्टमर के घर जाके उसको दे के आऊँगा, उसको बता कर आऊँगा उसके फ़ायदे, और ये प्रोडक्ट है जी, और वो ठीक होगा तो 10 लोगों को कह देगा मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई। ये है हमारा मिशन। आप किसी भी फ्लोर पे हों, किसी भी गली में हों, लोग आपके पास आएंगे सामान लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मिनी डीपी खोल लो, मैं ये बता रहा हूँ मिनी डीपी के क्या बेनिफिट्स हैं। और इसमें ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने नाम से आईडी ली हुई है, आप स्टोर पे जाते हैं, प्रोडक्ट आपने लेते हैं, मान लो सपोज़ करो आप अमृतसर गए, आपने कहा अमृतसर का एक टूर बनाते हैं, माथा भी टेक आएंगे और मॉल भी देख आएंगे। आपने अमृतसर गए और वहाँ पे गुरुद्वारे में आपने माथा टेका और अपना अमृतसर एक्सप्लोर किया और फिर पहुँच गए, चलो देख भी लें। मॉल में एंटर करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका हाथ परचेजिंग से नहीं रुकेगा। मैं अभी जल्दी ही अमृतसर जाऊँगा, अमृतसर के स्टोर का पूरा वीडियो बनाऊँगा
आपको एक एक चीज़ उठा के दिखाऊंगा, उसकी प्राइस बताऊंगा, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हम इस काम को खड़ा करने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। और इस मेहनत में हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग आज नहीं तो कल आप परचेजिंग ज़रूर करेंगे, आप ज़रूर लेंगे। आप चाहेंगे आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आप चाहेंगे आपके माँ बाप स्वस्थ रहें, आप चाहेंगे आप खुद स्वस्थ रहें। तो प्रोडक्ट तो बिकेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इनकम तो आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। ये एक संदेश है मेरी तरफ से, वीडियो ज़रूर लंबा है। मैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जो है एक से एक जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनके पीडीएफ में देखो, आपको लगेगा बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहे हैं ये। हमारे शैम्पूज आते हैं, ठीक है जी, हमारे कंडीशनर्स आते हैं, ये चीज़ें चाहिए। हमारे पास इतनी रेंज होने के बावजूद आप यकीन माने, आप कहोगे क्या मुझे नहीं चाहिए, चाहिए। आप बाथरूम गए तो टॉयलेट क्लीनर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए चाहिए। तो एक बार विचार कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट को यूज़ करें। 3000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, हम ज़िंदगी में दोबारा आपसे नहीं कहेंगे कि आप पैसे लगाओ। आपने 3000 दिए, 3000 के बदले में आपको सामान मिल गया, तो यूज़ करके देखो। थैंक यू। राकेश अनेजा, मोबाइल नंबर 9811756696, 888-227-9007। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने सारी डिटेल्स डाल दूंगा। और हाँ, एक चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, यदि आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने अपना पेज बनाया है फेसबुक पेज पे, आप वहाँ से जाके न्यूमरोलॉजी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही हम सारी चीज़ें जान सकते हैं, अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, एक एक चीज़ कंपैटिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। ये मैं इस शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन जो है वो हैप्पी हेल्थ इंडिया है। और मैं डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल्स डाल दूँगा, आप विज़िट करें, देखें और अपना भी ध्यान रखें, घर वालों का भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं हमारा देश फले फूले और सारे सिटीजन्स स्वस्थ रहें, बुज़ुर्ग लोग स्वस्थ रहें। बुज़ुर्ग लोग हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा। अगर मैं आपका छोटा भाई हूँ तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं अगर आपका बेटा हूँ तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपका मित्र हूँ तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं आपका हितैषी हूँ तो मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि हमारा ये बिज़नेस ब्लेसिंग्स का बिज़नेस है, जिस घर में बीमारी हो और हम हमारी दवा से वो ठीक हो जाए तो हमको ब्लेसिंग्स ही देगा, हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। राकेश अनेजा।